चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व, इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही यह मानता है कि
कि मैं त्रिकाल चैतन्य महल हूं। जिस चैतन्य महल में राख की दीवार तो दूर, विकल्पों के कांटे भी प्रवेश नहीं कर सकते। राख की दीवार स्वयं जड़ है, विकल्प के कांटे स्वयं जड़ है। जड़ की बात तो दूर, जो अनादि अनंत चैतन्य है, ऐसे अनंत चैतन्य परमात्मा भी निर्विकल्प अनुभूति में कहीं पर भी बाधक नहीं। इसलिए सिद्धो सा सुख सम्यक दृष्टि ने भोगा, क्योंकि सिद्ध भगवान की स्थिति भी ऐसी ही है। जैसे सम्यक दृष्टि निर्विकल्प अनुभूति में लीन है, अनंत सिद्ध परमात्मा का योग होने पर भी जो सिद्ध परमात्मा स्वरूप में स्थित है, जिस सिद्ध परमात्मा को परतंत्रता नहीं अन्य सिद्ध परमात्मा की, अन्य सिद्ध परमात्मा के साथ रहकर भी, अनंत सिद्धों के साथ रहकर भी, जैसे सिद्ध भगवान स्वयं का अनुभव करते हैं, अन्य सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा वे उनके आनंद में कहीं पर भी नहीं है। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति होने पर अनंत सिद्ध परमात्मा का योग तो होता है सम्यक दृष्टि को भी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भी वहीं रहता है जहां अनंत सिद्ध परमात्मा, सम्यक दृष्टि भी वहीं वास करता है जहां अनंत सिद्ध परमात्मा का योग है। अनंत निगोदिया देह में है, एक क्षेत्रावगा ही है, फिर भी अनंत निगोदिया का दुख जैसे आत्मानुभूति के काल में सम्यक दृष्टि के अनुभव में नहीं, ऐसे ही अनंत सिद्ध परमात्मा का सुख एक सिद्ध परमात्मा के सुख में कहीं भी नहीं, भले ही वहीं पर ही रहते हो। ऐसी सम्यक दृष्टि की दशा जो राग की दीवार के पड़ोसी, नए पड़ोसी नहीं हुए, पड़ोसी थे, पड़ोसी है और पड़ोसी नहीं रहेंगे, क्योंकि निकट काल में पड़ोसन से छुटकारा होगा। पड़ोसन के प्रति द्वेष करके नहीं, पड़ोसन को अच्छी तरह से समझ करके, इसलिए अनित्य भावना में देह के स्वरूप को समझाया। अनित्य भावना में इस स्वरूप को समझाया, देह की अनित्यता के कारण देह के प्रति द्वेष न हो, वस्तु के स्वरूप को समझने से द्वेष हो ही नहीं सकता। और जैसे जैसे तुम्हारा भेद विज्ञान होगा, निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होगे, और उसके लिए परम उपकारी है प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग। जलता हुआ ज्ञान का दीपक ही न जलते हुए ज्ञान के दीपक में प्रज्वलन में निमित्त हो सकता है।
तुमसे दावा करे कि मेरे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, उस दावे को तुम सच मत मानना। ज्ञानी तो वह है जहां दावा ही छूट गया, जहां वादा ही छूट गया, ज्ञानी की वह दशा है। इसलिए जलते हुए दीपक के संपर्क में आकर थोड़ा भी फासला न रहे तो ये ज्योति जल सकती है, ज्ञान के दीपक की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। ये ज्योति जलने की विधि कुछ और है। ये ज्योति की जो अग्नि है वो अग्नि की बात ही कुछ और है। ज्योति तो चूल्हे में भी जलती है, भोजन पकाते हैं चूल्हा लकड़ियों से वहां जलाया जाता है, मगर वहां की बात अलग है। वहां अग्नि प्रगटाने के लिए वहां फूंक मारनी पड़ती है कि जैसे ही तुम फूंक मारो कोयले पर कि आग भभकती है, मगर ज्ञान के दीपक की ज्योति फूंक मारने से वह ज्योति जलती नहीं। लोक में भी जो दीपक है फूंक मारने से जलता नहीं, लोक में जो दीपक है वह भी जलते हुए दीपक के संपर्क में आकर वह स्वयं प्रज्वलित होता है। ज्ञान का दीपक भी ऐसा ही है। प्रत्यक्ष योग में रहकर ऐसी हालत है, जीते हुए भी मुर्दे की भांति जीवन है, क्योंकि परतंत्रता है, गुलामी है। एक समय के लिए भी सत्संग से वंचित मत रहना। इसलिए मैंने आपसे कहा सत्संग प्रारंभ होने से पहले ही प्रवेश करें, एक समय का भी तुम्हारा सत्संग न छूटे। मगर सत्संग के दौरान भी तुम्हें यह जागृति रहे कि वह सत्संग भी तुम्हारा परतंत्र न हो, उस सत्संग में भी गुलामी न हो, उस सत्संग में भी किसी और का तुमने सहारा लिया ऐसा भाव न हो। क्योंकि ये यात्रा है, ये स्वयं की यात्रा है। अज्ञानी है जिसने स्वयं को नहीं पहचाना, पूज्य गुरुदेव श्री गांधी स्वामी कहते थे, जिसने स्वयं को नहीं पहचाना वे जिंदा होकर भी मुर्दे हैं, जिसने अपने को नहीं पहचाना वे मुर्दे हैं। प्रत्येक अज्ञानी मुर्दा है, जिंदा नहीं। और मुर्दे की पहचान क्या? वही जो सद्गुरु पर आधीन है कि सद्गुरु मुझे चला दो, मुझे यात्रा करा दो। और लोक में तुम देखते हो ना, मुर्दे होते हैं वे ही दूसरों के कंधे पर चलते हैं, जिंदा को दूसरे के कंधे पर चलने की जरूरत नहीं। जिसने चैतन्य जीवन को जाना वे सद्गुरु के कंधे पर नहीं चलते, सद्गुरु के साथ ही यात्रा करते हैं, मगर कंधा सद्गुरु का नहीं होता, क्योंकि वे मुर्दे न रहे, वे जीवंत हुए। और ऐसी जीवंत की ज्योति, ऐसी चैतन्य की ज्योति तुम्हारे भीतर जल सकती है, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो सकता है। जैसे ही तुम्हें ये बोध हो कि ये देह राग की दीवार है, जैसे ही तुम्हें बोध हो कि इस शरीर में जो लोग अभी मुझसे प्रेम करते हैं, तुमने कभी विचार किया जो तुमसे प्रेम करते हैं वो प्रेम किस पर करते हैं? इस शरीर से प्रेम करते हैं, या फिर इस शरीर में जो रहने वाला परमात्मा आत्मा, उस आत्मा के प्रति प्रेम करते हैं? तुम विचार करो अपने मित्रों को, परिवारजनों को, कि वो किसे प्रेम करते हैं। सब लोग यही कहेंगे वे तो शरीर को प्रेम करते हैं, शरीर को प्रेम करते हैं, इसलिए तो
जिसे प्रेम करते थे वो आत्मा था, आत्मा तो निकल गया, अब शरीर रहा, अब शरीर में तो प्रेम है ही नहीं, शरीर से प्रेम करते हैं, शरीर से प्रेम करते इसलिए शरीर को फिर जला देते कि अब इसमें कुछ भी नहीं, जला दो अब इसे, तेरे जाने के बाद इस राख की दीवार की क्या हालत होने वाली है तूने कभी सोचा है? खुशबू निकल गई, अकेला फूल रह गया, आत्मा निकल गया, सिर्फ ये राख के फूल रह गए। अर्थी निकलेगी, जनाजा निकलेगा, और जैसा मैंने कल कहा था कि जापान में लोग अपने लिए कफन लेने जाते हैं, कब्र की तैयारी में कब्र के सामान को लेने वे जाते हैं। जब भी मैं मुंबई की एक दुकान पर जाता उस समय मुझे ये विचार हर बार आता, जैसे ही मैं दुकान में प्रवेश करता वे जापान के वे लोग मुझे स्मरण में आते कि भारत देश की बात कुछ और है। हमारे देश में मरने के बाद मुर्दे के लिए तैयारी करने के लिए स्वयं को नहीं निकलना पड़ता, मेरा कुर्ता 200 रुपये का और मेरा पाजामा 200 रुपये का, 400 रुपये की जोड़ी मुंबई में कालबा देवी रोड पर मैं निकलता और जब मैं दुकान में प्रवेश करता हर बार मुझे ये विचार आता, जापान में ही नहीं यहां भी भारत में ऐसा हो रहा है। मैं भी इस दुकान में निकला हूं कफन खरीदने के लिए, और यही तो कारण है कि कफन सफेद रंग का होता है, मैं सफेद रंग का कुर्ता पजामा लेने निकला, यही तो कारण है कि कफन राख, ये जो मुर्दा मुर्दे का कफन होता है ये राख की दीवार का कपड़ा है। कभी तुम्हें ये विचार आया कि मुर्दा ही अपने आप जैसे कफन को ओढ़ रहा हो, सुबह कपड़े पहनते समय ऐसा विचार चले कि कैसा ये चमत्कार है कि तुम अपने महल में देखकर ऐसे देखते हो, चैतन्य की जागृति के बल पर तुम इस मुर्दे को ऐसे देखते हो कि जैसे मुर्दा ही अपने आप ही जैसे कफन को ओढ़ रहा हो, और फिर भी तुम दूर से उस घटना को देखते हो। लोक में ऐसा नहीं होता कि जो मुर्दा है वो मुर्दा खुद ही अपने कफन को ओढ़ता हो, मगर यहां ऐसा, ये मुर्दा, प्रत्येक मुर्दा ऐसा है जिंदा होकर भी, वो तो बिल्कुल झूठी बात है। समझदार व्यक्ति खुद का कफन खुद पहनता है, जब समझ आती है तो खुद का कफन खुद पहनता है, मुर्दे में समझ नहीं होती इसलिए मुर्दे को कफन पहनाना पड़ता है, जिसे समझ नहीं उसे कफन पहनाना पड़ता है। इसलिए बच्चों को कहते नहीं है ना समझ बच्चे, इसलिए मां बच्चे को कपड़े पहनाती है, जो उसे समझ नहीं उसे कफन पहनाया जाता है। जैसे ही समझ आई कि खुद का कफन खुद पहनता है, ऐसे ही आत्मा की अनुभूति हुई, ज्ञानी जागृत है कि खुद का कफन खुद ही ओढ़ रहा है, समझ आ गई। राग की दीवार का पड़ोसी, प्रति समय ये जागृति वस्त्र को ओढ़ा जाए, ये कफन ओढ़ा जा रहा है, ये कपड़े पर कपड़े, कभी तुम्हें ये विचार आया? शरीर के अंदर तुम्हें कपड़ा पहना, उसके ऊपर एक कपड़ा पहना, उसके ऊपर एक कपड़ा पहना, सर्दी बहुत ज्यादा है इतने कपड़े ओढ़े हैं, मगर तुम्हें कभी ये विचार आया कि कपड़े के ऊपर ही कपड़ा है, पहले से एक कपड़ा था, यह देह रूपी कपड़ा, उस कपड़े के ऊपर कपड़ा,
इसलिए जब भी बाथरूम में स्नान करते हो, समझदार लोग ये कहते हैं बिना वस्त्र का स्नान मत करना, वस्त्र पहन करके स्नान किया जाता है। मगर मुझे ये विचार आता है वस्त्र पहन करके स्नान किया जाता है ऐसा नहीं, वस्त्र को ही स्नान किया जाता है। खुद के कपड़े खुद धोते हैं, कभी मां धो दे कि नहीं तुम बच्चे हो हम तुम्हारे कपड़े धो देंगे, मगर कभी ऐसी स्थिति आती है वह ज्ञानी की दशा की खुद के कपड़े खुद धोता है। कपड़े के साथ रहकर के जो नाता है, और ये शरीर की साफ करने की विधि नहीं आत्मा को भी निर्मल करने की विधि ऐसी ही है। कपड़े के साथ में ही स्नान होता है, इसलिए चौथा गुणस्थान जब मिथ्यात्व का मल छूटा आत्मा निर्मल हुआ तो कपड़े के साथ रहा, कपड़े के साथ ही मिथ्यात्व का अभाव हुआ और आत्मा ने स्नान किया है। और जब पूरी तरह से स्नान हो जाए एक बार तो कपड़े उतारने पड़ेंगे नए कपड़े पहनने के लिए। जब पूरी तरह से आत्मा निर्मल होता है तब कपड़े उतार देता है, मगर यहां एक अपूर्व है कि फिर वो नए कपड़े नहीं पहनने पड़ते। इसी का नाम मुक्ति है, यही मोक्ष है। तुम जिसे कहते हो कि ये हमसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम शरीर को नहीं करते। शरीर को प्रेम करते तो शरीर को घर में ही रखते, मगर वे शरीर को तो अर्थी में बांध करके निकालते हैं। तुमने कभी सोचा अर्थी को बांधा जाता है, रस्सी से बांधकर निकालते हैं, क्योंकि ये रोज घर से बाहर निकलता था, बांधा नहीं था उसे, रोज बाहर निकलता और शाम को घर आ जाता। आज उसे ऐसा बांध करके घर से निकालो कि वापिसी ना आए, और ऐसा होता है जब बांध करके निकालते हैं फिर वापिस आता ही नहीं। और इतना ही नहीं, बांध करके निकालो वापिस आए ही नहीं, इतना नहीं वहां जाओ उसका ध्यान रखो, शक्ति की जरूरत है कभी आ गया तो। और ये महिला इतनी कमजोर है भावुक हो जाती है, कभी आ गया तो महिला कह देगी चलो चलो आ जाने दो, इसलिए महिला को जाने की परमिशन नहीं, पुरुष ही जाएंगे कि उसे वापिस नहीं आने देंगे। कभी महिलाएं रो धो करके कह दे कि वापिस आ जाओ तो, इसलिए पुरुष ही जाएंगे, उसे इतना दूर तक छोड़ेंगे और छोड़ करके वापिस नहीं आएंगे, उसे कहेंगे कि इसे जला दो, क्योंकि क्या पता वहां से भी वापिस लौट आए, उसने रास्ता तो देखा ही था, इसलिए जला दो। जला दिया और जलाने के बाद भी सीधे घर पर नहीं आ गए, रुको वहां पर जब तक पूरी तरह से जल न जाए, क्योंकि क्या पता आधा जला हुआ फिर वो घर की ओर आने लगे। पूरी तरह से जला दो, जब तक जल न जाए शमशान में खड़े रहो। और जब पूरी तरह से जल जाए तब तो फिर कि नहीं तब भी रुको, उसकी राख एक अणु भी इस घर में ना आना चाहिए, इसलिए उस राख को घड़े में ही भर दो कि एक परमाणु भी इस घर में वापस उड़ करके भी ना आए। और इतना दूर तक उसे भेज दो कि वापस ना आए, कोई संभावना ही न रहे। तो क्या करे कि उस राख को गंगा में जाकर बहा दो कि सीधी ही वह राख सागर तक पहुंचे, मगर एक बार परमात्मा निकला कि इस देह के साथ क्या हाल होने वाला है तुमने कभी सोचा है? गया सागर में, देह सागर की ओर गया, राख होकर के सागर की ओर गया है, मगर आत्मा तो पहले से ही सागर की ओर गया है। देह गया सागर की ओर और आत्मा ने स्वयं की पहचान के बिना परिभ्रमण किया, गया संसार सागर की ओर।
दोनों की यात्रा सागर की यात्रा है, फिर चाहे राख की दीवार हो या फिर चैतन्य परमात्मा हो। और जो स्वयं ही राख की दीवार का पड़ोसी हुआ, उसे ऐसी दशा प्रकट हुई, अभी जो भी कार्य होता है उसमें जागृत है, एक ऐसी अपूर्व घटना घटित होती है। मृत्यु बहुत बार हुई, मगर वह मृत्यु भी महावीर भगवान का नाम लेकर हुई, आदिनाथ भगवान का नाम लेकर हुई। स्वयं की जागृति पूर्वक वह मृत्यु नहीं हुई थी। आज तक मृत्यु ने तो हमें बहुत बार मारा, मगर आत्मा का पुरुषार्थ जब जागृत होता है तब मृत्यु नहीं मारती, उस मृत्यु की ही मृत्यु हो जाती है। और ऐसी अपूर्व घटना अनुभूति के काल में घटित होती है कि 24 तीर्थंकर, आज का दिन भी 24 तीर्थंकर का दिन, 24 तारीख, एक समय की बेहोशी नहीं, गुरु तुम्हारे साथ सदाकाल न रहेगा, मगर चैतन्य सदैव तुम्हारे साथ यही है। कहीं कहीं तुम पढ़ते हो, हमारी कंपनी तुम्हें सर्विस देगी 7 दिन 24 घंटे 24/7। आज का दिन 24/7 का दिन है, 24/7 का दिन है। सदा काल गुरु तुम्हें सर्विस न देंगे, मगर भीतर जो चैतन्य परमात्मा है, कभी भी तुम उसका उपयोग करना चाहो कर सकते हो, उपयोग में लेना चाहो ले सकते हो। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में भगवान आत्मा को तुम जान सकते हो, देख सकते हो, यह स्वतंत्रता। 24 तीर्थंकरों की गिनती की, मालाएं जपी, मंत्र के जाप की, मगर मंत्र के जाप में स्वयं को तो भूल ही गए। मुझे घटना विस्मरण में आई, एक बार ऐसा हुआ, गुरु शिष्य की कसौटी कर रहे थे, जैसे सभी गुरु करते हैं कि इसे शिष्य के रूप में अपनाना, एक कसौटी कर ले, और सभी की कसौटी अलग अलग होती है, सभी क्षेत्र में कसौटी होती है, वह कसौटी अलग अलग होती है। दुकानदार यदि किसी नौकर को अपने वहां रखना चाहता है तो उसकी कसौटी अलग है, कोई मालिक नौकर को अपने घर पर रखना चाहता है, उसकी कसौटी कुछ अलग तरह से होती। सवाल पूछे जाते हैं, आशा रखकर कि वहां से क्या जवाब मिलेगा। अमेरिका में मेरे कुछ ऐसे पहचान वाले हैं, उनकी जब शादी हुई थी, उनको मैंने पूछा कि शादी के समय तुमने भी कसौटी की थी, कि हाँ कुछ प्रश्न पूछ लिए थे शादी से पहले ही। लड़की लड़के को मिली तो लड़के को मिलकर के पहला ही प्रश्न ये पूछा, खाना पकाना आता है, कपड़े धोना आता है। अमेरिका में पहले ये पूछ लेते हैं लड़की लड़के को। उस गुरु ने शिष्य से पूछा कि बताओ यहां कितने लोग, उसने गिनती कर दी, 1 2 3 4 24 की गिनती कर दी, ये 24 है। मगर उसने स्वयं को ही गिनना भूल दिया, भूला ऐसा सबसे निकट है, और जो सबसे निकटवर्ती है उसकी ही जो गिनती न कर सके, उसका मूल्य क्या कि उसने दूसरों की गिनती कर दी। इसलिए आत्मा की प्राप्ति के लिए यात्रा नहीं करनी पड़ती, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना पड़ता। एक कदम आगे तो वहां बढ़ाना पड़ता है जो हमसे दूर है,
इसलिए आत्मा की अनुभूति चल करके नहीं होती, दूर जाने से नहीं होती, समय चिखर या गिरनार जाने से नहीं होती, क्योंकि दूर होता तो यात्रा करनी पड़ती। उल्टा ऐसा है कि जो दूर जाता है वो तो पाने से वंचित रह जाता है। जो सबसे निकट यही पर ही परमात्मा, जो पाप से भी न्यारा और पुण्य से भी न्यारा, बहुत बार महापुरुष हुए, बहुत बार ऐसी तिथि आई, महापुरुष की तिथि होती पाप की नहीं, मरने के बाद में उनकी तिथि हम मनाते हैं, उस तिथि को हम कहते हैं पुण्य तिथि। पुण्य तिथि बहुत बार आई मगर अनुभूति की तिथि ना आई। पुण्य से पार होता है, पाप से पार होता है, उसकी पुण्य तिथि क्या है? पाप पुण्य की मृत्यु हुई, देह की मृत्यु नहीं, पुण्य की ही मृत्यु हो गई। जब आत्मा देह से निकलता है, शरीर के तो ये हाल होंगे, पहचाना नहीं जाएगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि रास्ते पर तुम ये देखो, ये प्रयोग करो, विचार करो, एक चींटी जा रही है, चींटा जा रहा है और तुम्हारा पैर उसके ऊपर पड़ा और वह चींटी मर गई। उसके बाद एक और व्यक्ति चला और लोग चलते गए और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि वो जो चींटी के शरीर के परमाणु है, वे चींटी के शरीर के परमाणु वो पहचाने नहीं चाहते कि ये कभी चींटी का शरीर था। वो परमाणु उड़ते हैं मगर चींटी के रूप में पहचाने नहीं जाते कि ये चींटी का शरीर था, विचार भी नहीं आता। रास्ते पर इतनी धूल दिखाई देती है, वो धूल नहीं, वो किसी का शरीर था, और किसी का शरीर नहीं, वो मेरा ही शरीर था। और जैसे तुम उस धूल के परमाणु को तुम देखते हो, ऐसे ही इस शरीर के परमाणु को जब तुम देख सको, ऐसी देखने वाली दृष्टि, इस दृष्टि का नाम है राख की दीवार का पड़ोसी होना। अंतर न दिखाई दे, जिस जमीन पर चला जा रहा है उस जमीन और इस राख की दीवार के बीच अंतर न दिखाई दे। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो उस कुर्सी के परमाणु में और देह के परमाणु में अंतर न दिखाई दे, अंतर न दिखाई दे, जानने में न आए ऐसा नहीं, अंतर न दिखाई दे, ऐसी दृष्टि, ऐसी श्रद्धा। तुम जिस पलंग पर लेटे हो उस पलंग पर, पलंग के परमाणु और देह के परमाणु में तुम्हें यह अंतर न दिखाई दे, ऐसी जो दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि, ये अंतर न दिखाई दे। इसलिए बाईजीत ये कहता था, कपड़े नहीं पहनता तो लोग उसे पूछते कि कपड़े क्यों नहीं पहनते, वो कहता तुम अपने चेहरे को क्यों नहीं ढकते, चेहरे को ढको। बोले चेहरे में ऐसा है क्या ढकने जैसा, तो वो यही कहता मैंने शरीर के बाकी अंगों को भी चेहरे की भांति देख लिया। जैसे तुम चेहरे को नहीं ढांकते ऐसे मैं बाकी के अंगों को नहीं ढांकता। मैंने ये जो खिड़की के द्वार है उस द्वार को ही, खिड़की में भी छेद है, दरवाजे पर छेद है, जब तुम ऐसी दृष्टि से वो खिड़की के छेद को देख लो कि वहां भी दीवार ही तो है। खिड़की पर पर्दे लटकाते हैं, रंग में रंगी पर्दे होते हैं खिड़की पर, मगर जिस समय तुम्हारी नजर में वो खिड़की के छेद, वो तुम्हें दीवार के रूप में दिखाई दे, फिर दीवार के ऊपर तो तुम पर्दे नहीं लटकाते। जैसे दीवार में पर्दे नहीं लटकाते, दिखाई नहीं देता कि ये खिड़की, ऐसे ही जब ऐसी दृष्टि प्रकट होती है कि राख की दीवार में जो नव द्वार है, वे नव द्वार जहां पर दीवार ही दिखाई देती है राख की, तब वो दशा आए बिना नहीं रहती कि वो पर्दा हट जाता है, नग्न हो जाता है, दिगंबर हो जाता है। खिड़की पर पर्दे न रहे, ये राख की ही दीवार,
तुम्हें कभी ऐसा लगा ये कैसा कैसा ये प्रकृति का चमत्कार? तुम चमत्कार देखने बहुत गए बाबाओं के पास, मगर ये बाबा भी तुम्हें एक चमत्कार दिखाता कि कैसा ये चमत्कार। तरह तरह के चमत्कार तुमने देखे, यहां पर भी एक चमत्कार है। तीसरी आंख खुल जाती है, चमत्कार है तीसरी आंख। बहुत से बाबा होते हैं जिनकी तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख जिनकी खुलती है वे यही प्रयास करते हैं कि दूसरे की भी तीसरी आंख खुले। वो तीसरी आंख का सीधा सा मतलब यह है, ये दो आंख के बीच में यहां एक तीसरी आंख, वो यहां तीसरी आंख है नहीं, मगर उस आंख का नाम ही है, वो तीसरी आंख नहीं, उस आंख को ही दृष्टि कहते हैं, सम्यक दृष्टि कहते हैं। तीसरी आंख खुल गई, इसलिए मंदिर में जाते हो यहां तिलक लगाते हो। वो तिलक लगाने का मतलब ये कि बस हे परमात्मा, जैसे आपकी वो तीसरी आंख खुली, मेरी भी ये तीसरी आंख खुले। सम्यक दृष्टि, चमड़े की आंख तो बहुत बार खुली, भीतर की दृष्टि एक बार भी नहीं खुली। खिड़की को ही दीवार के रूप में देखा, ये शरीर के परमाणु को ऐसे रूप में देखा। हे ज्ञान दीपक, इस शरीर को रास्ते पर उड़ते हुए परमाणु की भांति यही चमत्कार मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। आ जाओ, एक दीवार चलती चलती आती है, दूसरी दीवार चलती आती है, तीसरी दीवार चलती आती है, और उनमें से फिर एक दीवार बोलती है, दूसरी दीवार सुनती है। ये कैसा चमत्कार होगा? कभी तुमने सोचा मकान की दीवार ऐसी चलती चलती एक दीवार बोले दूसरी दीवार सुने, ये क्रिया, और यही तो दीवार का चमत्कार है, ये राग की दीवार का चमत्कार। मेरी राग की दीवार ये बोलती है और तुम्हारी राग की दीवार सुनती है, मगर मेरी ये राग की दीवार जो बोलती है, जितने दूर से मैं राग की दीवार को देखता हूं कि ये बोल रही है, उतनी ही दूर से बोल रही है जितनी दूर से तुम्हारी राग की दीवार सुन रही है। ये राग की दीवार बोलने वाली और राग की दीवारें सुनने वाली, उन दोनों के बीच में जब अंतर नहीं रहता, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही यही पर ही सिद्धत्व की अनुभूति हुई। सिद्धत्व की अनुभूति इसलिए कैसा, ये पामर सिद्ध, ये पामर सिद्ध। सिद्ध को भी देह के साथ रहकर स्वरूप में डुबकी लगती है, ये कैसा सिद्ध। ये चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही वस्त्र है यह भी नहीं और वस्त्र नहीं है यह भी विकल्प नहीं है। वो संगीत रुकने वाला नहीं, अभी ये देह से वियोग होगा। ये जो चैतन्य की पुकार का संगीत रुक जाएगा, ये संगीत रुक जाएगा, मगर चैतन्य परमात्मा का संगीत ऐसा है, तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर उसका होना हो मगर वो संगीत बजता रहता है। और याद रहे, वीणा महत्वपूर्ण नहीं है, संगीत महत्वपूर्ण है। फूल महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी सुगंध है, महक है, वो महत्वपूर्ण है। दीपक महत्वपूर्ण नहीं है,
उसका जो प्रकाश है वो प्रकाश महत्वपूर्ण है, काश तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो सके। मगर अभी घना अंधेरा है, अभी गरीब की वो हालत है, गरीब की कुटिया में तुम रहते हो। गरीबों ना कुबामा तेल को टीपू छे दोहिल्यो, अने अमीरों ने कबर ऊपर घीना दीवा थाई छे। अमीर की कब्र पर तो घी के दिए, पर गरीब की कुटिया में एक तेल की बूंद नहीं, दिया कैसे जले। निर्धन हे निर्धन ज्ञान दीपक, तुम अंधेरे में जिंदगी जीते हो, तुम्हारे घर में दिया नहीं चल रहा। और तुम निराश मत होना, क्योंकि जिनके घर में दिया नहीं चलता उनके लिए ही चांद निकलता है रात में। ये राजचंद्र, ये रायचंद, ये जलते हुए दिए जहां नहीं है उनके लिए ही निकलते हैं। बस उस चांद की रोशनी में तुम अपना दिया चला सको। तुम्हें थोड़ा थोड़ा जो दिखाई देता है, तुम अपना ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर सको, हे चैतन्य परमात्मा। भले तुम गरीब की झोपड़ी में हो, मगर तुम निराश मत हो ना। प्रति समय तुम्हें यह जागृति रहे, हे ज्ञान दीपक, एक समय के लिए भी तुम निराश मत होना, तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा। मैं करूंगा, सिर्फ तुम भर जाओ। जिसे उस गुरु ने कसौटी की थी कि इस कमरे में कितने लोग हैं, उसने कहा 24। मगर जब कोई ज्ञान दीपक मेरे पास आता है तब मैं भी कसौटी करता हूं, और जब वो कसौटी में पास नहीं होता मैं उसे वापस भेज देता हूं। ये मेरी कसौटी का तरीका है। और मैं सबसे पहले ये पूछता हूं, संसार से तुम घायल हुए हो, क्षणिक का बोध हुआ है, चिट्ठी में लिख कर दो क्या क्या बोध हुआ है, कितने धोखे खाए हैं। बस फिर तुम्हारी यात्रा प्रारंभ होगी, फिर तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। फिर जो मिला, फिर गुरु से पिटाई भी हो, गुरु तुम्हें यदि अपने से दूर भी भेज दे, मगर तुम्हें वो विचार भी ना आएगा कि गुरु ने नाराज होकर के मुझे दूर भेज दिया। क्योंकि हमेशा याद रखना, गुरु कभी नाराज होकर किसी को दूर नहीं भेजता। जो नाराज हो जाए वो गुरु ही नहीं। और जो शिष्य ये विचार करे कि गुरु ने मुझे नाराज होकर भेजा, वो गुरु के बारे में ऐसा सोचे वो शिष्य शिष्य नहीं। वो कहेंगे तुम वहां रहो, तुम साधना करो, वे करेंगे तुम्हारी कसौटी करेंगे। तुम जहां रहो वहां तुम्हारी साधना हो, वहां तुम्हारी आराधना हो। इसलिए तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं करता, मैं बिजली का उपयोग नहीं करता, मैंने ये प्रतिज्ञा न ली। विज्ञान के इस आधुनिक युग में मैंने टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना चाहा, जो मिला उसका उपयोग करना चाहा, कि आप सभी को अपने घर पर बैठे बैठे जब मैं आपको इस हालत में देखता हूं। कल ही कोई पूछ रहे थे अपने घर पर हम बैठे तो कैसे बैठे, कुर्सी पर बैठे कि नीचे बैठे, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि कमरे में मत बैठना, हॉल में बैठना। मगर हॉल में भी कैसे बैठे, तुम ऐसे ही बैठना जैसे तुम यहां उमराला में आए थे और बैठे थे। क्योंकि मेरे नजर में तो तुम सब ऐसे ही दिखाई देते हो, यहां तो सब लोग एक साथ में मुझे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, मुझे लगता ही नहीं। और सच कहूं आपको, आप जितने नजदीक से दिखाई देते हैं यहां बैठे हुए लोग भी उतने नजदीक नहीं। आप दूर रहकर भी मेरे कंप्यूटर में मेरे से इतने नजदीक है, ये लोग मेरे कंप्यूटर के पास तक नहीं आ सकते, फिर निराश क्यों होते हो। तुम यहां सबसे नजदीक हो। जीवन की शुरुआत हो,
और होगी तुम्हारे जीवन की शुरुआत। देह में से बाहर निकलने से पहले वो जीवन की शुरुआत हो। उल्टी यात्रा बहुत हुई, अब सीधी यात्रा हो। अंधेरे में यात्रा बहुत हुई, हजारों वर्षों का अंधेरा है, दीपक कितने देर के लिए जलाए? हजारों वर्षों तक दीपक जलाना पड़ेगा उजाले के लिए। हजारों वर्षों का अंधेरा एक समय के ज्ञान के प्रकाश से मिथ्यात्व का अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए निराश मत होना, अंधेरे से ही उजाले की यात्रा है, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की यात्रा है, उल्टी से ही सीधी यात्रा होती है। तुमने कभी विचार किया, जब जन्म होता है तब बेटा मां के गर्भ में सीधा नहीं उल्टा लटकता है और फिर चलता है सीधा, उल्टा नहीं चलता। मैं ये कहना चाहता हूं, जब शुरुआत होती है उल्टे से होती है और फिर सीधा हुआ जाता है। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की यात्रा, उल्टे से सीधे की यात्रा। मगर जो उल्टा ही उल्टा रहा उसका जन्म ही ना हुआ, वो भी गर्भ में ही रह गया, जन्मा ही नहीं। तुम्हारे ज्ञान के दीपक का जन्म हो, इस शरीर को राख की दीवार के रूप में तुम देख सको। राख की दीवार का पड़ोसी, थोड़े दिन पहले ही मैंने मुंबई में एक आदमी को कहा था, राख की दीवार का पड़ोसी देखना है तो आ जाना। उसने कहा मैंने देख लिया, तीनों को देख लिया, मुझे तो ये पता भी नहीं था। राख की दीवार का पड़ोसी, उसने कहा बॉलीवुड में ये तीनों के नाम की फिल्म बनी है। राख भी एक फिल्म का नाम है बॉलीवुड, दीवार भी एक फिल्म का नाम है और पड़ोसी भी एक फिल्म का नाम है। मैंने तीनों देख ली, राख भी, दीवार भी और पड़ोसी भी, मगर ये एक चौथी दीवार है, राख की दीवार का पड़ोसी। और वो तीन दीवार झूठी थी, सच है। पहले तीन गुणस्थान झूठे हैं, चौथे गुणस्थान से ही राख की दीवार का पड़ोसी होता है। चार, मगर वो चार की यात्रा भी एक से होती। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। एक आदमी था, पहले के जमाने की बात होगी, चार पत्नी थी। अभी तो एक भी एक जिंदगी के लिए संभाली नहीं जाती। चार पत्नी एक साथ में थी और चारों पत्नियों में पहली पत्नी ऐसी जिस पत्नी को वो सब कुछ देता था, सब लुटाता था, उस पत्नी पर बहुत प्रेम करता था। सबसे छोटी थी, चौथी। अक्सर ऐसा होता है माता पिता को सबसे छोटा बेटा ज्यादा प्रिय लगता है, अक्सर ऐसा होता है, छोटा है। मगर यहां तो पत्नी का सवाल था, सबसे छोटी पत्नी थी, चौथे नंबर की, बहुत प्रेम था, जो चाहिए वो सब देता था, अच्छी अच्छी भेंट ला करके देता, ऐसा ही समझो कि उसके लिए ही जिंदगी जी रहा था। तीसरे नंबर की भी एक पत्नी थी जिसे वो प्यार इतना नहीं करता, ठीक है करता था, इसलिए क्योंकि वो जो तीसरी पत्नी थी उसका ठिकाना नहीं था, गड़बड़ वाली पत्नी थी। हर बार ऐसा लगता था कि ये मुझे छोड़कर किसी पराए के साथ भाग जाएगी, जैसे अक्सर भाग जाती है, इसलिए उसके प्रति प्रेम तो था मगर भय भी था। वो तीसरी पत्नी ऐसी थी, दूसरी पत्नी भी थी, दूसरी पत्नी ऐसी थी जो साथी थी, जब भी जरूरत पड़ती उस आदमी को सहारा देती, बीमार हो
सलाह देती। तीसरी पत्नी जैसी ये नहीं थी, धोखेबाज नहीं थी, मगर जो पहली पत्नी थी उस पत्नी को इसने प्रेम ही नहीं किया। था उस पत्नी के साथ मगर होकर भी उसके साथ नहीं था, शादी होकर भी वो शादी नहीं हुई थी, ऐसी वह पत्नी थी, वह पहली पत्नी थी। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे यही विचार आया, एक व्यक्ति चार पत्नी के साथ में कैसे जीवन जीता है, अलग अलग जीवन, मगर पहली के साथ जितना अन्याय हुआ वह दूसरी तीसरी और चौथी पत्नी के साथ उतना अन्याय नहीं, क्योंकि पहली पत्नी को तो देखता भी नहीं। मगर यह घटना हमारे तुम्हारे सभी के जीवन की यह घटना है, सभी के जीवन में ये चार पत्नियां होती हैं। ब्रह्मचारी हो तो भी चार पत्नी वाला होता है, किसी लड़की से शादी करने जाए तो ही पत्नी वाला होता है, ऐसा थोड़ी ना है। ये आदमी भी चार पत्नी वाला, इस आदमी की मृत्यु की घड़ी आई, पहली दूसरी तीसरी चौथी चारों पत्नियां वहां आसपास जैसे मरते समय सब होते हैं मगर कोई नहीं होते। चौथी पत्नी उसे कहा कि तुझे बहुत प्रेम किया है, मेरा जीवन ही तेरी सेवा में बीता है, तुझे जो चाहिए वो मैंने दिया है, तू चल मेरे साथ, अब मरने की घड़ी आई। उसने मना कर दिया, धोखेबाज, नहीं मैं नहीं आऊंगी, क्या बात करते हो तुम। तीसरी पत्नी को कहा कि तुम चलो, तीसरी पत्नी ने कहा नहीं, मेरा किसी के साथ में रिश्ता तय हो गया है, मैं नहीं आऊंगी। दूसरी पत्नी से कहा कि चलो, तुम तो चलोगी नहीं। उसने कहा हां मैं चलूंगी, मगर कुछ देर तक तुम्हारा साथ दूंगी, मगर ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। और पहली पत्नी उसने कहा चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जिसकी ओर ध्यान भी नहीं गया था उसी ने उसका साथ दिया। ये चारों पत्नियां, ये चार पत्नी सभी के पास है। चौथे नंबर की पत्नी जिसे मैं शरीर कहता हूं, ये एक पत्नी है चौथे नंबर की, जिसके पीछे पूरी जिंदगी गवाता है, उसे जो चाहिए वो देता है, देह के लिए कपड़े भोजन, ये चौथे नंबर की पत्नी, मगर मौत आती है, ये देह कहता है नहीं मैं तुम्हारा साथ न दे सकूंगा, अब तुम्हें अकेले जाना होगा। तीसरे नंबर की पत्नी वह है धन संपत्ति दौलत रुपये के बंडल, वे कहते हैं नहीं तुम्हारा साथ न दे सकेंगे, क्योंकि मेरी तो शादी किसी और से फिक्स हो गई है, तुम जैसे ही निकलेगी मैं किसी और तिजोरी में जाऊंगा, मैं तो किसी और का होने वाला हूं। दूसरी पत्नी है वह कहती है थोड़ी देर के लिए साथ दे देंगे, वह है परिवारजन और रिश्तेदार, शमशान तक तुम्हें साथ दे सकते हैं, आगे साथ न दे सकेंगे, ये दूसरी पत्नी ये रिश्तेदार। मगर एक पहली पत्नी जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को मैं पहली पत्नी कहता हूं, जो अनंत काल तक साथ देती है, यदि उस पत्नी की ओर ध्यान जाए, मुक्त स्वरूप की ओर ध्यान जाए, जो कभी गया ही नहीं था, मुक्ति थी यहीं पर मगर मुक्ति की ओर ध्यान न गया, मगर जिसका ध्यान गया मुक्ति कहती है अनंत काल तक मैं तेरे साथ हूं। हे ज्ञान दीपक, पहली पत्नी से रिश्ता जुड़े, चौथे से रिश्ता सहज जुड़ जाएगा, चौथे गुण स्थान में तुम जरूर पहुंच जाओगे। तत्व विचार, राग की दीवार का पड़ोसी, इस रचना में एक एक पद्य में राग की दीवार और चैतन्य महल में क्या समानता क्या असमानता, अलग अलग दृष्टिकोण से समझाई गई है ये राग की दीवार किस प्रकार से। आज जो कबीर के दोहे पढ़े जाते हैं
आज जो मीराबाई के भजन गाए जाते हैं, एक दिन ये राख की दीवार का पड़ोसी ये रचना भी गाई जाएगी मृत्यु की घड़ी पर, मगर वो देरी होगी। मैं तुमसे कहता हूं वो घड़ी आने से पहले अभी तुम पढ़ लेना। 24 घंटे की देरी है तुम्हारे पास, ये राख की दीवार का पड़ोसी तुम्हारे पास पहुंचेगी। ये राख की दीवार का पड़ोसी, ये शास्त्र, ये तुम्हारे पास पहुंचेगा। रिश्ता तो निभाना पड़ेगा। तुम जब मेरे द्वार पर आए हो तो मुझे भी तुम्हारे द्वार पर आना होगा। तुम जब मेरे कंप्यूटर पर आए हो तो राख की दीवार का पड़ोसी भी तुम्हारे मोबाइल फोन पर तो आएगा। ये रिश्ता कैसे निभेगा? रिश्ता दोनों ओर से निभता है। तुम थोड़े आगे चलो, मैं भी आगे चलूंगा। मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य परमात्मा, इसलिए कहता हूं शमशान में ये जब अर्थी उठे, ऐसा ही समझना जैसे डोली उठी। मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वर्णन करने के लिए दुनिया में दोनों का अर्थ अलग अलग लेते हैं, मगर दोनों में समानता यही है। डोली भी निकलती है, अर्थी भी निकलती है। गुजराती में मैंने पढ़ा था बचपन में, रस्ता ऊपर कोई नहीं जान जती हती, अने रस्ता ऊपर कोई नहीं जान जती हती। बारात को जान कहते हैं गुजराती में। किसी की जान जा रही थी और किसी की जान जा रही थी। प्रेम पत्र भी लिखते हैं तब भी ऐसा ही होता। मुझे बचपन से इन दोनों में अंतर नहीं दिखता था। बहुत से लोग कहते हमने इस लड़की के लिए प्रेम पत्र लिखा, क्या हुआ अंत में, नतीजा क्या आया? कुछ लोगों ने कहा कि लड़की को प्रेम पत्र भेजा कि पिटाई हुई, और कुछ लोगों ने कहा प्रेम पत्र भेजा कि शादी हो गई। और मैं उनसे कहता बात दोनों में एक ही है, पिटाई हो या शादी हो, परिणाम तो वही आता है अंत में। राख की दीवार का पड़ोसी ये रचना, मैं राख की दीवार का पड़ोसी, खुद अर्थी उठी है यहां, जनाजा निकला है यहां। डोली में और अर्थी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं, समानता है, दोनों में समानता है। लकड़ी की अर्थी, लकड़ी की डोली, दोनों को उठाने वाले मिल जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, डोली जा रही थी और अर्थी बीच में आ गई। डोली को बहुत गुस्सा आया, अपशुकुन हुआ। लोग जैसे कहते ना कुछ अपशुकन होता है, कोई बीच में आ जाए तो, जैसे वो बिल्ली बीच में आ जाए, 1 फुट की बिल्ली 6 फीट के आदमी को कुछ परेशान कर देती है, काम अटक जाता है। पहले जब सत्संग का शुभारंभ होता था ऐसा होता था, मुझे छींक आती थी, जैसे ही छींक आती लोग कहते अब स्वाध्याय में विघ्न आएगा, छींक आ गई। मैंने उनसे पूछा शादी से पहले तुम्हें कभी छींक नहीं आई थी, फिर भी एक बार आ जाती तो यह संसार तुम्हारा छूट जाता। बासी आती है ना तो कहते हैं जैसे ही एक का मुंह खुला कि सब लोग कहते अरे बासी मत खाओ, हम सबको बासी आएगी।
हिचकी आती है तो लोग कहते हैं कोई याद करता होगा, पर हो रहा है यहां पर, छींका ही यहां और अपशुकन किसी और का, बासी आई यहां और घटना कहीं और घटेगी, हिचकी आती यहां और याद कोई पराया करता है, खाते खाते जीप कट गई और गाली कोई और देता है, घर के बाहर चप्पल उल्टा पड़ा था और अपशुकन हो गया। ये तरह तरह की बातें जब मैं सुनता हूं तब आश्चर्य होता है। और बचपन में हम घर में थे तो ऐसा ही होता था, भाई बहन सब आजे जम्मानू सूप बनाव्यू छे तो सब लोग एक साथ में बोलते, आजे जम्मानू सूप बनाव्यू छे तो सब एक साथ में बोलते, तो फिर कहते आज कोई मेहमान आएगा घर में, एक साथ में बोले। कहां कहां हमने ये घटित कर दिया है, ये राग की दीवार की ये सब घटना है, छींक आ जाए। परदेश में तो ऐसा बहुत होता है, एक बार यदि आपको छींक आए, एक बार अच्छी ऐसा हो तो सामने जो बैठा होगा ना वो कहेगा गॉड ब्लेस यू। पहले तो मुझे ऐसा लगता था ये क्या है सब, छींक यहां आई उसपे क्या गॉड ब्लेस यू, मैंने छींक खाई सामने वाले ने कहा गॉड ब्लेस यू, फिर मैंने कहा थैंक यू, उसने कहा नो प्रॉब्लम, मैंने कहा इट्स ओके, उसने कहा डजंट मैटर, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा जस्ट शट अप, फिर वो चुप हुआ, वरना चुप ही नहीं हो रहा था। राग की दीवार का पड़ोसी, शरीर में धर्म नहीं है, छींक आने से धर्म अटकता नहीं है, मगर डोली के बीच तो छींक नहीं अर्थी आ गई थी, दोनों में अंतर इतना था। डोली विदा हो रही थी और अर्थी अलविदा हो रही थी। चार लोगों ने उठाया था दोनों को, डोली पर भी फूल थे, अर्थी पर भी फूल थे। वो सुना है ना तुमने, हजारों फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, एक फूल काफी है अर्थी को उठाने के लिए, हजारों खुशियां कम है एक गम को भुलाने के लिए, एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। अर्थी पर भी फूल थे, डोली पर भी फूल थे, डोली में भी वो हरे रंग की चूड़िया पहनाई थी, अर्थी पर भी हरे रंग की चूड़िया पहनाई गई थी। डोली जब उठी थी तब भी मांग में सिंदूर था, अर्थी जब उठी तब भी मांग में सिंदूर था, मगर दोनों में इतना अंतर था। डोली और अर्थी एक जगत में प्रवेश कर रही थी, जगत में आ रही थी और एक जगत से जा रही थी। और मैं तुमसे ये कहता हूं, जगत में आना और जगत में जाना, ये दोनों क्रिया को तुम राह की दीवार की क्रिया देख सको। राह की दीवार का पड़ोसी में ये स्पष्ट किया है, आप जैसे ज्ञान दीपकों के लिए आपकी बहुत भावना है कि सत्संग का योग मिले। आप तो यहां नहीं आ सकते मगर ये पुकारते हैं कि आप हमारे वहां आए। मैंने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा है जो पराधीन घर की वासी है, खुद तो धर्म करना चाहती है मगर पति का साथ नहीं, सास ससुर का साथ नहीं। कभी कभी आश्चर्य होता है पाप के भागीदार होने वाले ये धर्म के सहयोगी क्यों नहीं हो सकते, मगर नहीं हो सकेंगे।
इसी का नाम तो संसार है, वरना फिर संसार और मुक्ति में अंतर क्या होगा। राख की दीवार का पड़ोसी, उसमें यह लिखा है कि गुरु की राख की दीवार को तुम यदि अपने घर पर नहीं बुला सकते, आमंत्रण नहीं दे सकते, गुरु को आमंत्रण देना चाहते थे मगर गुरु ना आ सके, फिकर मत करना, तुम स्वरूप में लीन होकर के सिद्ध होना, मोक्ष में जाना और सिद्धपुर में विराजमान होना, फिर क्या होगा, गुरु तुम्हारे वहां आएंगे, गुरु नहीं देव आएंगे, सिद्ध परमात्मा भविष्य में अनंत सिद्ध वहां आएंगे जहां तुम विराजमान होगे, अनंत सिद्ध भी वहां विराजमान होंगे। घर की दीवारों में यदि गुरु न आ सके तो सिद्ध शिला पर अनंत सिद्धों को पुकार लेना, और पुकारने की जरूरत भी न होगी क्योंकि पुकारने वाली वहां राख की दीवार न होगी, पुकारने का विकल्प वहां न होगा, मगर यह सहज होगा। सच तो यह है, मांगता है उसे मिलता नहीं, सिद्ध कुछ भी नहीं मांगते मगर अनंत सिद्ध उन्हें मिल जाते हैं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी वह दशा प्रकट होगी, वह दशा तुम्हारी राग की दीवार का पड़ोसी, ज्ञानी की वह दशा। जब कोई ज्ञानी के हाथ पैर दबाता है, सिर दबाता है, तबीयत खराब है, ज्ञानी देखता है जैसे कपड़े को पकड़ करके रखा है, उसमें दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई महिला स्नान करती है, पहले के जमाने में साड़ी को पर्दा बना करके डोरी पर साड़ी लटकाई और उसे ही दीवार बना दी और पीछे स्नान कर लेती है, ऐसे ही ज्ञानी स्नान करते हैं वस्त्र को, यहां साड़ी के रूप में, देह को वस्त्र के रूप में, साड़ी के रूप में लटकाया हुआ हो जैसे, और उसकी सखी जैसे साड़ी को पकड़ कर रखे, कहती है थोड़ी देर पकड़ कर रखो मैं स्नान कर लूं, ऐसे ही ये कोई पैर दबाए, कोई सिर दबाए, अंतर में कर्म का मल धुलता जाता है, बाहर में ये साड़ी पकड़ कर रखी है और थोड़ा भी भेद न दिखाई दे, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। हे ज्ञान दीप, ये भी एक राग की दीवार है। जब मैं थैला उठाकर निकलता, आत्मसिद्धि शास्त्र को मेरे हाथों से पकड़कर दुनिया के कोने कोने पर जब जाता, यही विचार आता, दीवार पर जैसे हैंगर होते हैं कपड़े लटकाने के, तुमने दीवार पर हैंगर देखे, उसमें वो खुटिया होती है, उसके ऊपर कपड़े लटकाते हैं, थैली लटकाते हैं, ये राग की दीवार भी ऐसी है, दोनों हाथ में हैंगर है, ये खुटिया, पांच खुटी एक हाथ में, पांच खुटी दूसरे हाथ में, और खुटी पर जैसे थैली लटकती है, जब चलता था तब ऐसा लगता था कि दीवार की खुटी पर थैली लटकी है, जिस थैली में आत्मसिद्धि शास्त्र है, नगर जैसे ये तुम देखते हो कि खुटी पर थैली लगी, और जैसे तुम खुटी पर लगी हुई थैली को देखते हो और ये देखते हो कि मैं खुटी पर नहीं टंगा, मैं दीवार में नहीं, मैं दूर से देख रहा हूं दीवार को, खुटी को, थैली को, ऐसे ही तुम देखते हो देह को, उंगलियों को, आत्मसिद्धि शास्त्र की थैली को, ये सहज भेद विज्ञान। मगर उससे पहले ये विचार होंगे, उससे पहले ऐसा तत्व विचार होगा और अवश्य होगा। हे ज्ञान दीपक, ये तत्व विचार तुम्हें होगा। 7:24 का दिन है, शाम को 7:30 बजे मिलने वाले हैं, मगर 7:24 को ही आ जाना, 7:24 चैतन्य की जागृति के लिए, आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया,
मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।